तो क्या हाल है दोस्तों, आज फिर से एक और शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को जीमेल आईडी पे टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है और इसे कैसे ऑन करना है, इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर आप सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो दोस्तों, तो आप सभी को इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। आप सभी लोग अपने फ़ोन में ज़रूर से जीमेल आईडी को चलाते होंगे। तो दोस्तों जीमेल आईडी पे दोस्तों अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके नहीं रखोगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा दोस्तों, अगर मान लो किसी को भी अगर आपका जीमेल आईडी और आपका जो जीमेल आईडी का पासवर्ड है अगर उसे पता लग जाएगा दोस्तों, तो आपके मोबाइल को हैक कर लेगा दोस्तों। आपके जो जीमेल आईडी से अगर मान लो यूट्यूब चैनल है या फिर आपके उस जीमेल आईडी पे कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है या फिर इंपोर्टेंट डाटा है, वो लीक हो जाएगा दोस्तों। वहाँ पे वो उसका मिसयूज कर सकता है दोस्तों और आपके साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए आपको इस सब को होने से पहले आपको जो है सचेत हो जाना है। आपको अपने जीमेल आईडी का जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लेना है दोस्तों। अगर आप सभी लोग मोबाइल चलाते हो तो आप लोगों को ये ज़रूर से कर लेना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन ज़रूर से कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों उस टू स्टेप वेरिफिकेशन को आप सभी को कैसे ऑन करना है इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए वीडियो को शुरू कर दो दोस्तों। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने फ़ोन का सेटिंग ऑन करूँगा दोस्तों। आप सभी को भी अपने फ़ोन के सेटिंग को ऑन कर लेना है जीमेल का टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सेटिंग को ऑन करूँगा। सेटिंग को ऑन करने के बाद में दोस्तों आप सभी को नीचे की तरफ फ़ोन को स्क्रॉल करोगे तो आप सभी के फ़ोन में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गूगल के नाम से। सभी फ़ोन में होता है दोस्तों, आपके फ़ोन में भी मिलेगा। अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो तो ज़रूर से मिलेंगे दोस्तों। गूगल के नाम से आप सभी को ऑप्शन मिल जाएंगे। तो गूगल वाले ऑप्शन पर आप सभी को क्लिक कर देना है दोस्तों। तो मैं यहाँ गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ। इसके बाद इतना करने के बाद में दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो आपका जीमेल आईडी होगा वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। अगर आप किस आपके फ़ोन में जितने सारे जीमेल आईडी होगा यहाँ से चेक हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो कितने सारे जीमेल आईडी है। इसके बाद दोस्तों आपको किस जीमेल आईडी का जो है आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है, उस जीमेल आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा में पहले से सेलेक्ट है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। फिर क्लिक करने के बाद में दोस्तों जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको। इसमें सबसे ऊपर में ही आप सबको देख सकते हो होम पर्सनल इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसे आपको साइड स्क्रॉल ऐसे करके करना है दोस्तों। जैसे साइड स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा आप सभी को। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे दोस्तों तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा आप सभी मिलेगा। इसमें आप सभी को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है दोस्तों। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो आप सभी के फ़ोन में ये देखना है, अगर ऑफ होगा तो इसे ज़रूर से ऑन कर लेना है। तो अभी मेरे फ़ोन में अभी ये ऑफ है, मैं इसे आप सभी को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसे कैसे यूज़ करना है मैं आप सभी को पहले बता दिया था इसका क्या फ़ायदा है इसे ऑन करने से। अगर आप सभी लोग जीमेल अकाउंट चलाते हो तो इसे ज़रूर से ऑन कर लेना है आप सभी को दोस्तों, नहीं तो आपका फ़ोन कभी भी हैक हो सकता है दोस्तों। इसीलिए मैं इसको ऑन करके आप सभी को अभी दिखाता हूँ कैसे ऑन करना है टू स्टेप वेरिफिकेशन को। तो इस पर आप सभी को टू स्टेप वेरिफिकेशन पे आप सभी को क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से आप सभी को पेज खुल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो टू स्टेप वेरिफिकेशन करके आ जाएगा। इसमें नीचे की तरफ आप सभी को दोस्तों स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड, आप सबके फ़ोन में मिल जाएगा। गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी का आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है। जिस ईमेल आईडी का आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना चाहते हो उस ईमेल आईडी का आप सभी को पासवर्ड याद जरूर से होना चाहिए। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो, नया पासवर्ड बना सकते हो। जो मुझे याद है पासवर्ड तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल दूँगा। पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करोगे तो कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद में आप सभी के पास एक नया पेज खुल के ओपन होगा दोस्तों। तो देख सकते हो टू स्टेप वेरिफिकेशन नया पेज आ चुका है खुल के। इसमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप सभी को। यहाँ पे आपका जो फ़ोन होगा वो आ जाएगा और यहाँ पे डोंट सी योर डिवाइस, यहाँ पे कुछ नहीं करना है इस सब में आपको। शो मोर ऑप्शन, इस सबको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो मोबाइल नंबर आप चलाते होंगे।
जिस नंबर पे आपको ओटीपी लाना है उसी नंबर को देना है यहाँ पे। तो आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, देख सकते हो मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, टेक्स्ट मैसेज एज फोन कॉल। अगर आप उस ओटीपी को जो आपके पास मैसेज आएगा उसे आप मैसेज में लेना चाहते हो या फ़ोन कॉल में, तो आप कॉल पे भी ले सकते हो। मैं उसे मैसेज पे लूँगा, तो टेक्स्ट मैसेज पे सेलेक्ट है पहले सीट बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं यहाँ पे इसे सेंड करूँगा। सेंड करने के बाद आप सभी के पास एक ओटीपी आएगा दोस्तों, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है इंटर कोड पे, देख सकते हो ओटीपी आए। इसे मैं इसे कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे डाल दूँगा, मैं देख सकते हो पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद सिंपली से मैं इसे नेक्स्ट करूँगा यहाँ से, तो देख सकते हो दोस्तों। मैं इसे नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद में आप सबको टर्न ऑन टू स्टेप वेरीफिकेशन, देख सकते हो ऑन हो चुका है, टर्न ऑन टू स्टेप वेरीफिकेशन जो ऑप था वो ऑन हो चुका है। यहाँ से मैं इसे टर्न ऑन कर दूंगा। टर्न ऑन करने के बाद में दोस्तों आप सभी का जो टू स्टेप वेरीफिकेशन है वो ऑन हो चुका है। अब आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आप सभी को, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैकअप कोड, बैकअप कोड वाले पे क्लिक करेंगे। बैकअप कोड पे जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट बैकअप कोड, गेट बैकअप कोड को आप सभी को यहाँ पे ओपन करना है। उसके बाद आपके पास में इस कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा कोड, इस कोड को आप सभी को डाउनलोड कर लेना है दोस्तों यहाँ से, या फिर इसे आप सभी को किसी नोटबुक पे लिख के रख लेना है। इससे क्या होगा कि कभी अगर आप किसी दूसरे फ़ोन में अपने जी मेल आई डी को लॉगिन करोगे तो वहाँ पे टू स्टेप वेरीफिकेशन मांगा जाएगा, वहाँ पे ये काम आ सकता है, या फिर आपके मोबाइल नंबर से ही हो जाएगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा उस पर ही हो जाएगा। अगर मोबाइल नंबर नहीं रहेगा तब जाके आप सभी को ये बैकअप कोड काम देगा, इसलिए अगर आप ये रखना चाहते हो तो रख सकते हो दोस्तों, लिख के ज़रूर से आपको कभी काम आ सकता है दोस्तों। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है, वीडियो में जो बताया वो आप सभी को समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आकर वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दे दूंगा आप सभी को। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।